नमस्कार, बीएन भारत में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं सुरूर। पेश है दिन भर की बड़ी खबरें। झारखंड में कोरोना की जानलेवा कहर जारी है। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार में कोई कमी नहीं होते देख झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाई जा सकती है। 29 अप्रैल के बाद राज्य में इसकी अवधि 7 से 10 तक बढ़ाई जा सकती है। खतरा में उग्रवादियों ने सोमवार की देर रात टंडवा थाना क्षेत्र में कोयला लदा 5 हाईवा को आग के हवाले कर दिया। घटना लारंगा मांडर गांव के बीच मुख्य पथ पर घटी। आदेश जताया जा रहा है कि लेवी नहीं मिलने से नाराज तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के उग्रवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। रांची स्थित CCL गांधीनगर अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजन और साथ आए अन्य लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। महिला डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट भी की। बाद में गोंदा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया गया। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र से एक ट्रक समेत भारी मात्रा में डोडा बरामद किया गया। करीब 2000 किलो डोडा बरामद किया गया है। SSP सुरेंद्र झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नामकुम थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई की। CBSE मई के अंत तक 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर देगा। इसके लिए CBSE ने सभी स्कूलों से मई के पहले सप्ताह तक 15 बिंदुओं पर रिपोर्ट भेजने को कहा है। स्कूलों को एक फॉर्मेट में छात्रों की पूरी वर्ष की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी है। इस रिपोर्ट पर रिजल्ट तैयार की जाएगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में आज अंतिम शाही स्नान हुआ। कोरोना को लेकर शाही स्नान की औपचारिकता निभाई गई। साधुओं ने गंगा नदी में स्नान किया। चुनाव आयोग ने 2 मई को मतगणना के दिन या उसके बाद सभी विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर उठाया गया यह कदम। ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत दूसरी मेडिकल सप्लाई दिल्ली पहुंची। इसके आ जाने से अस्पतालों में कोरोना के इलाज में हो रही ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सकेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए BNN भारत। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।